साथियों, आज हम सब लोग झड़ोल की इस धरती पर जब इकट्ठा हुए हैं तो ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे भाई जगदीश ने क्या सपना देखा था। वो सपना हमें पूरा करना है। वो सपना हम अपने भाई दिनेश पांडव के नेतृत्व में पूरा करेंगे। वो सपना एक भील प्रदेश का सपना, वो सपना आदिवासियों के हक और अधिकार को दिलाने का सपना, वो सपना आदिवासियों के आत्मसम्मान को लौटाने का सपना है। साथियों, जब आप वोट देने जाए तो ये याद रखिएगा, आपके गांव से, आपके फला से, आपके आसपास के हिस्से से कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। हर एक व्यक्ति को वोटर मतदान केंद्र तक लेकर के जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप तो जाए और बाकी साथी पीछे छूट जाए। हमारे पास 20 दिन का वक्त भी नहीं बचा है आज की तारीख में। हम सबको यह सोचना होगा कि हम सब भाई जगदीश पांडोर है, हम सब भाई दिनेश पांडोर है, और जब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं लेते 3 तारीख तक, जब तक हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये याद रखिएगा कि ये लड़ाई अगर हम जीते तो हम सब जीतेंगे, याद रखिएगा, अगर हारे तो हम सब हारेंगे, और अगर हारे सभी नहीं, ये भी याद रखिएगा, मानगढ़ में हमारे पुरखे जो शहीद हुए भील प्रदेश को बनाते हुए, और भी बहुत सारे हमारे पुरखों ने जो सपना देखा, वो सारा का सारा सपना वो भी हार जाएगा। इसलिए उस सपने को जिंदा रखने के लिए, इस पूरी लड़ाई को जिंदा रखने के लिए, जगदीश भाई को जिंदा रखने के लिए, हमें भाई दिनेश पांडोर को जयपुर विधानसभा के भीतर भेजना है, और वहां जाकर के हमारी मांग को, भील प्रदेश की मांग को, जगदीश भाई के सपने को हमें पूरी उम्मीद है और ये यकीन है कि दिनेश भाई पूरा करेंगे। ये बात हम सबको अपने अपने लोगों तक पहुंचा देनी है। हमारे चुनाव चिन्ह हॉकी का जरूर ध्यान रखिएगा, उसको जरूर अपने हाथ में रखिए, हाथ में लेकर के जाइए, लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि जब मतदान केंद्र पर पेटी आएगी तब वहां पर हमारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं, उनको पता नहीं होता कि चुनाव चिन्ह क्या है। तो अपने हाथ में एक हॉकी जरूर रखिए ताकि लोगों को बता सके कि हमारा चुनाव चिन्ह यह है और इस तरीके से मतदान लोगों को डालना है। भाषण की बात नहीं, हम सबको और जमीन पर उतर के काम करने की जरूरत है। हम कल और परसों पिछले 2 दिनों से कांति दादा के साथ में वहाँ काम कर रहे थे, और वहाँ भी इसी तरीके से लोगों ने कांति दादा को और भील प्रदेश की जो तमाम लोग थे उन सब ने हमारे भारत आदिवासी पार्टी के तमाम सदस्यों को अलग अलग इलाकों में मजबूती देने का काम किया है। यहाँ पर हम लोग दिनेश भाई को मजबूती देंगे, भारत आदिवासी पार्टी को मजबूती देंगे, तो आने वाला दिनों में ये याद रखिएगा कि हमारे बिना राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। ये भी याद रखिए, इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह भारत आदिवासी पार्टी तय करेगी, यह घाटोल की जनता तय करेगी, यह डूंगरपुर, चौरासी, सागवाड़ा, इनकी जनता तय करेगी, पूरा उदयपुर संभाग तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए जब वोट दिनेश भाई को दे तो दोनों चीजों को याद रखना है, जगदीश भाई के सपनों को और हमारे आगे आने वाली लड़ाई को, भील प्रदेश को, और तभी जाकर के हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। फूल जोहर जितेंद्र जी को, लाख लाख जोहर।